एल2 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भी प्रशासन ने सतर्कता नहीं दिखाई और अब भी 8 मरीज कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं। फरुखाबाद के सीएससी एल2 अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। एल2 अस्पताल में 2 दिन से ऑक्सीजन खत्म चल रही है। 2 दिन से कोई भी ऑक्सीजन का सिलेंडर अस्पताल में नहीं पहुँचा। एल2 अस्पताल में 8 कोविड-19 के मरीज भर्ती है। ऑक्सीजन की कमी से कल एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। 8 और मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दिन पर दिन ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मामला फरुखाबाद के कमालगंज सीएससी का है। राहुल गुप्ता, फरुखाबाद, समाचार 24। कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन अपने क्या पर्याप्त है? नहीं, अभी नहीं है। कल से 24 घंटा हो गया, अभी ऑक्सीजन नहीं है। 24 घंटे हो गए। अच्छा, अपने जो मरीज हैं वो कितने मरीज भर्ती हैं? इसमें 8 मरीज। 8 मरीज हैं, तो उनको ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था की जा रही है? कुछ वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं और कुछ ठीक है, जिनको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा, उनमें कुछ गंभीर मरीज भी हैं क्या? गंभीर मरीज इस समय कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो क्या लग रहा है कब तक आपको बताया गया ऑक्सीजन आने के लिए? आज आने की संभावना है। मतलब कल कब से खत्म हुई थी ऑक्सीजन? परसों रात में हुआ था। रात में क्या, सुबह के टाइम हुआ था, 2:30 बजे। तो हर रात तक आने की संभावना है।